वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए जबरदस्त खुशखबरी लेके आ गए हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपको बोले थे नाइट में, मतलब रात को आपको खुशखबरी दे देंगे। फाइनली देख लीजिए, खुशखबरी फाइनली आ चुकी है। उसके बाद अभी आप लोग भाग के मत जाना कि आप ऑफिशियल साइट चेक करोगे, ऑफिशियल पे अपलोड सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ऑफिशियल होने से पहले वायरल हो गई है, ये सारी चीज़ें आ गई है एकदम 100%। याद रखना, एकदम तैयार रहना। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने हैं कल वीडियो बता दूंगा, लेकिन याद रखो अभी फटाफट बता दे रहे हैं क्या क्या सारी चीज़ें आई हैं। यहाँ पे देखो फटाफट हम इसको रीड करते हैं, जल्दी से आपको समझा देते हैं क्या चीज़ है इसमें। और मैं इस पर फटाक से सभी जो लोग बच्चे जितने सारे हैं मेडिकल वाले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेडिकल में जाने से पहले आपको जो जो सारी चीज़ बताऊंगा मेडिकल में जाने से पहले, वो सारी चीज़ें लेके जाना होगा, वो भी करना होगा। और एकदम सीक्रेट वाली भी बात है, उसको भी बताऊँगा, उसको भी लेके जाना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी बच्चा, जितने भी सारे बच्चे हैं, कोई भी बच्चा फेल ना हो, एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए मेडिकल में, सभी को पास होना है। आगे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखिए मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए टावर नंबर, इसको छोड़िए सारी चीज़ें, गोमती लखनऊ, यहाँ पे देखिए 29 देखिए 2020, आज ही के डेट में 29 तारीख 29 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। ये ऑफिशियली नहीं आया है, ऑफिशियल पे कल तक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन 100% ये पूरा एकदम ऑफिशियल है, पूरा ऑफिशियली आया है। सबसे पहले फैक्स के माध्यम से रिलीज होता है, आपको पता है, उसके बाद ऑफिशियल पे थोड़ी देर पहले या फिर एक दो दिन बाद अपलोड हो जाएगा। याद रखना बाकी सारी चीज़ें, डेट कन्फर्म हो गई है, RTC कब है और आपका JTC कब है। यहाँ पे देखिए पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गोपीनगर समस्त वरिष्ठ, यहाँ पे देखिए समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश, बात की गई जनपद की, विषय पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत, नागरिक पुलिस 31,360 और PSC की 18,208 पदों। यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चिकित्सक एवं चरित्र सत्यापन और नियुक्ति, देख लीजिए प्रशिक्षण के संबंध में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या और जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, कृपया उपयुक्त विषय को उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र PRPB संख्या इतना इतना 20-8-2020 अवलोकन करने के संबंध में इतना इतना। आगे देखिए चयनित, यहाँ पे देखिए सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत आरक्षी मतलब सिविल पर चयनित 14,000, देख लीजिए 14,000 अभ्यर्थी को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रथम चरण के लिए नागरिक पुलिस यानी आरक्षी नागरिक पुलिस को बुलाया जा रहा है। देखिए जनपदवार यानी बुकलेट हार्ड कॉपी में चयन विवरण के, और उसके बाद यहाँ पे देखिए DBPST फाइल उपलब्ध कराई गई है, आपको भी मतलब समझा देंगे, टेंशन मत लेना। उसके बाद कॉलम नंबर 2, यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 2 में इस संबंध में अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर चयनित प्रथम चरण में सूची 14,000 इतना देख लीजिए जारी हुई है, 14,000 बच्चे जा रहे हैं फर्स्ट बैच में, आपको पहले से बता दे रहे थे 14,000 बच्चे जाएंगे 14,000 ही गए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सीक्रेट बात बताऊंगा वो कल बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है कॉलम, यहाँ पे देखिए प्रथम चरण चिकित्सा प्रशिक्षण और चरित्र सत्यापन दिनांक देख लीजिए 7/9/2020 से होगा स्टार्ट, याद रखना डेट यहीं पे कॉपी में लिख लेना। अभी इसके पहले वीडियो बनाए थे आपको बता दिए थे डेट, तो कुछ बच्चों को फर्जी लगा होगा, लेकिन याद रखना अब लिख लो, मोटी कॉपी में लिख लेना जाके, रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर लेना, इस तारीख को भूलना मत। JTC आपकी स्टार्ट हो जाएगी 6/10, याद रखना 6/10/2020 से प्रारंभ हो जाएगी, और आपका जो चिकित्सा प्रशिक्षण है मेडिकल 7/9/2020 को स्टार्ट है, JTC आपकी 6/10/2020 को है, RTC आपकी स्टार्ट हो जाएगी 3/11/2020 को। फाइनली पूरा सब कुछ आपका, इतना देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सब कुछ आज खत्म हो गया फाइनली। उसके बाद आप लोग मेडिकल करोगे, उसके बाद ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ नहीं कहा गया, सब कुछ याद रखना, तैयार होकर जाना है एकदम कम्प्लीटली। प्रतिलिपियाँ क्या क्या सारी चीज़ें लगेंगी वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, सब कुछ क्लियर हो गया है। डेट याद रखना, इसको देख लो डेट, अच्छे से डेट को याद रख लेना। यहाँ पे देखो मेडिकल प्रशिक्षण दे और चरित्र सत्यापन 7/9/2020 को एकदम 100% कन्फर्म हो गया है। उसके बाद सभी बच्चे तैयार रहेंगे, जितने बच्चे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और मेडिकल में आप जाएंगे क्या क्या सारी चीज़ें लगेंगी। जब इसके पहले 41,520 बच्चे हुआ था मेडिकल, तो उसमें 7-8 बच्चे फेल हुए थे, इसमें कम से कम 0-1 भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, बेसब्री सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे। सबको एकदम स्वस्थ होकर जाना है, खाते पीते रहो, एकदम मस्त रहना, बिल्कुल भी कोई भी 7-8 दिन बच्चा, 8-10 दिन कोई भी बाहर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा, सड़क पर घूमने टहलने रिलेशन कहीं भी नहीं जाएगा, मेडिकल आपका हो जाएगा तो आराम से आप जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको गुड न्यूज़ देनी थी, बाकी धाकर डालकर वीडियो लाते हैं सबके लिए जबरदस्त, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।